बीजेपी सांसद औकर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण मामले में दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ब्रजभूषण शरण ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर मामले को आगे बढ़ाने की अपील की है, तो शिकायतकर्ता ने आवेदन की कॉपी न मिलने की बात कही। ब्रजभूषण ने कॉल डिटेल और पासपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी, दावा किया कि उन तारीखों को वो दिल्ली में नहीं थे। आवेदन के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट परिसर में उनसे टिकट न मिलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने सब कुछ प्रभु राम पर छोड़ दिया। ओई वही जो राम रची राखा, ये ब्रजभूषण के शब्द थे जब उनसे पत्र न दाखिल करने के लिए बात कही गई। सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे ब्रजभूषण सिंह, उस वक्त की तस्वीरें हैं। यौन शोषण मामले में उनकी अपील है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसे में राम पर सब कुछ छोड़ दिया। कोर्ट में आगे की जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई है। टिकट मिलने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा। सृष्टि ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। फिलहाल क्या हो रहा है कोर्ट में सृष्टि? आज की सुनवाई इस मामले में पूरी हो चुकी है आज के लिए। अगली सुनवाई 26 तारीख को अब होगी। आज कोर्ट को ब्रजभूषण शरण के खिलाफ चार्जेस पे ऑर्डर पास करना था, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने थे, लेकिन वो आज कोर्ट को अडजर्न करना पड़ा क्योंकि ब्रजभूषण शरण ने एक एप्लीकेशन फाइल की है कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी और किया जाना चाहिए इसके पहले कि उनके खिलाफ कोई भी चार्जेस फ्रेम किए जाएं। ब्रजभूषण शरण के वकीलों का ये कहना है कि एक जो फीमेल रेसलर है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एलिगेशन लगाया है कि उनके की सेक्सुअली हरास उन्हें किया गया था WFI के ऑफिस में। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने CDR रिपोर्ट के बेसिस पे रिलाई करते हुए जो डेट बताई है उस इंसिडेंट की, उस दिन ब्रजभूषण शरण का कहना है कि वो इंडिया में थे ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।